तो कंटिन्यू करेंगे विथ फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक जब लिक्विड फ्लो करने लगता है ना अमोंग द फ्लूइड पार्टिकल्स, तो यहाँ पर हम फ्लूइड डायनामिक्स या हाइड्रोडायनामिक्स इसको बोलते हैं। नाउ द लिक्विड हैड स्टार्टेड मूविंग, ठीक है। तो हम जिस लिक्विड को एनालाइज करेंगे है ना, जिस लिक्विड के मोशन को एनालाइज करेंगे, वो एक आइडियल केस सिनेरियो होगा, आइडियल केस होगा। अब आइडियल केस है तो लाइफ में हर बार हर चीज़ आइडियल तो नहीं होगी। जैसे फ्लूइड फ्लो करता है ना, तो उसमें हर बार हमें स्टेडी फ्लो नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन हम हमारे सारे डिस्कशन में ये मानेंगे कि हम जो फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं वो स्टेडी फ्लूइड है। तो स्टेडी फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है? कि उसकी वेलोसिटी, उस पे लगने वाला प्रेशर, उसके पार्टिकल्स पे लगने वाला प्रेशर और उस लिक्विड की डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती, है ना। इट डज नॉट चेंज विद टाइम। जो भी फ्लो करने का उसका ड्यूरेशन है, सपोज एक पाइप में पानी फ्लो कर रहा है तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है ना, या जो स्ट्रीमलाइन में वो फ्लो कर रहा है उसके साथ क्या बिहेवियर होगा वो हम देखेंगे। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब एक ऐसा यूनिक लाइन में वाटर की लेयर्स फ्लो कर रही है विदाउट एनी डिस्टरबेंस, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, जो लाइन, जो पाथ लिक्विड फॉलो कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन्स, ठीक है। और स्ट्रीम लाइन की खासियत क्या है? कि स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, ठीक, और उनका फ्लो डिस्टर्ब नहीं होता। क्योंकि अगर स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस कर गई, ये वाटर की लेयर या लिक फ्लूइड की लेयर एक दूसरे को क्रॉस कर गई, इसका मतलब क्या है? वो स्टेडी नहीं होगा, वो अनस्टेडी फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो तब कहलाया जाएगा, मतलब उसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो तब ही बोलेंगे जब एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, और वो यूनिक फ्लो मेंटेन करेगा, ठीक। ये एक चीज़ है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो को और एक नाम दिया गया है, लैमिनर फ्लो, ठीक है। लैमिनर का मतलब क्या होता है? कि एक लेयर दूसरे लेयर के साथ पैरेलली मूव कर रही है, भले उनके बीच का स्पेसिंग कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगी, स्ट्रेट और पैरेलल जाएगी, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है? कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गया, इंटरसेक्ट कर गया, है ना, जैसे फ्लड्स में होता है। फ्लड्स में जो लिक्विड या फ्लूइड या पानी फ्लो होता है नदी में से या फिर किसी भी सोर्स में से, तो वहाँ पे टर्बुलेंस रहता है, ठीक है। तो टर्बुलेंस की वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि ये पानी का क्या होगा, अभी कुछ भी हो सकता है, ठीक। लेकिन लैमिनर में एक स्टेडी फ्लो मिल रहा है, पैरेलल लाइंस आ रही है, डायरेक्शन हमें पता है, बस उनके बीच का जो स्पेसिंग है उससे हम लोग कुछ कंक्लूजन कर सकते हैं। जैसे आइडियल केस में हम बोल रहे हैं कि स्टेडी फ्लो है, तो अगर स्पेसिंग बिटवीन द स्ट्रीम लाइंस बहुत कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा स्पीड में फ्लो कर रहा है। अगर स्पेसिंग बहुत है तो हम बोलेंगे कि इसकी स्पीड कम है, इसकी वेलोसिटी कम है इन स्ट्रीम लाइन्स की। तो ऐसे कुछ कंक्लूजन हम कर सकते हैं। देन टर्बुलेंट फ्लो के बारे में हम देखेंगे कि टर्बुलेंट क्या होता है। एक इरेगुलर फ्लो, कोई प्रडिक्शन नहीं है उसके बारे में, है ना। पार्टिकल कैन मूव जिगजैग, जिगजैग फैशन में पार्टिकल कहीं पे भी मूव कर रहे हैं, और उसके वजह से लॉस इन एनर्जी भी एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। अब और एक आइडियल केस है हमारे लिए कि हम जो लिक्विड फ्लूइड डायनामिक्स में हम कंसिडर करेंगे वो सारे के सारे इनकॉम्प्रेसिबल होंगे। अब दिक्कत क्या है कि कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड में क्या होता है? कि एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड पे जाके अगर कॉम्प्रेस हो गया तो हम बोल रहे हैं कि उसका कॉम्प्रेस हुआ मतलब चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम चेंज तो डेंसिटी भी चेंज हो सकती है ना। तो हम यहाँ पर केस कंसिडर कर रहे हैं कि नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज
in volume एंड नो चेंज इन डेंसिटी. डेंसिटी तो आपको समझ में आ गया होगा. डेंसिटी तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि फ्लूइड वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन कॉम्प्रेसिबल फ्लो. डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी. लेकिन अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है ना, दैट इज डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेयर एज इन कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट. तो हम जो फ्लूइड्स के बारे में बात करने वाले हैं वो इनकम्प्रेसिबल होगी. तो हमारे कैलकुलेशंस में हम डेंसिटी बार बार चेंज नहीं करेंगे विथ चेंज इन पोजिशन, तो हमारे लिए आसानी होगी. तो ये आइडियल कंडीशन हम लोग कंसिडर करेंगे ज़रूर. फिर दूसरा है कि रोटेशनल है या इरोटेशनल फ्लूइड फ्लो है. तो अगर पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं इन अ स्ट्रीम लाइन और पार्टिकल खुद के ही एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, मतलब ये पार्टिकल ऐसा गोल गोल घूमते घूमते हुए जा रहा है, ये तो जाएगा ऑब्वियसली. ऐसा कोई स्टेडी ऐसा एकदम पार्टिकल एकदम शरीफों की तरह सीधे ही जाएंगे, बिल्कुल रोटेट नहीं करेंगे. मतलब ये तो आइडियल केसी सिनेरियो में हो सकता है कि फ्लूइड भी खुद के एक्सिस के अराउंड नहीं घूम रहा है, ठीक है. लेकिन वो भी हमको मानना है कि वो फ्लूइड जो है वो इरोटेशनल फ्लो कर रहा है. इरोटेशनल मतलब क्या होता है, मोस्टली हमारे पास बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि सपोज ये पार्टिकल है, इसका एक एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है. ट्रांसलेट कर रहा है मतलब क्या, हम सोचते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है. ट्रांसलेशन का मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, ये हो सकता है कि वो एक्सिस नहीं चेंज कर रहा है. उसका एक्सिस वो भले ही ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है किधर भी जा रहा है, लेकिन उसका एक्सिस नहीं चेंज होता, वो खुद के एक्सिस के अलोंग रोटेट नहीं कर रहा. समझ में आया क्या? तो ये पार्टिकल ऐसा पलटेगा नहीं कि एक्सिस चेंज हो गई इसकी, पलट गया या फिर ऐसा कुछ हो गया, ठीक. तो इन सब में से हमने आइडियल के सिनेरियो निकाला कि हमारा जो फ्लूइड होगा जिसको हम फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ेंगे वो एक स्टेडी फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनर, है ना, देन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा और इरोटेशनल भी होगा, ठीक है. इन सबको मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे. तो अब आइडियल फ्लूइड की बात कर लेते हैं एक बार कि जब आइडियल फ्लूइड फ्लो करता है, बस हमने हमें इतना ही कंसिडर करना है कि जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है लाइन्स की वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, जहाँ डेंसिटी कम है वहाँ वेलोसिटी कम है, ठीक है. अगर ये आइडियल के सिनेरियो नहीं होता, जैसे नॉन विस्कस भी बोलना चाहिए था. और एक चीज़ है यहाँ पे, कॉम्प्रेसिबल तो बोला है ना, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसको नॉन विस्कस फ्लूइड होगा हमारा. नॉन विस्कस क्यों? क्योंकि आइडियल फ्लूइड है, क्योंकि हर लेयर ऑफ लिक्विड या फ्लूइड के बीच में एक दूसरे के बीच में फ्रिक्शन होगा. तो यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं कि देर इज नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड, द लेयर्स, नो फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स. तो ये सारे कंक्लूजन हमको करने पड़ते हैं, ठीक है. ये सारे कंडीशंस मान के ही फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. आइडियल फ्लूइड के केस में मुझे दो चीज़ें, दो अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं. एक तो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, क्योंकि अगर फ्लूइड कॉम्प्रेस होने लगा किसी भी सिचुएशन में, अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर, तो सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा और हमारा पूरा कैलकुलेशन जो भी हम करना चाहते हैं या फिर जो भी एनालिसिस हमारा वो बिगड़ सकता है, ठीक है. तो पहली चीज तो है कि इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास कभी चेंज ना हो, इट शुड नॉट चेंज, ठीक है. ये बात आप ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर कॉम्प्रेस हो गया, अगर ये सेंटर ऑफ मास इसका है तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक. क्योंकि डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक.
तो अगर नॉन विस्कस हम लोग ले रहे हैं, विस्कोसिटी से क्या दिक्कत है? क्योंकि हम लोग विस्कस फ्लूइड देखते हैं, उनका फ्लो चेंज हो जाता है विस्कोसिटी की वजह से। तो नॉन विस्कस फ्लूइड अगर ले रहे हैं तो हमें स्ट्रीमलाइंस भी मिलेंगे प्रॉपर, ठीक है, आइडियल केस में। क्योंकि अगर हम विस्कस या विस्कोसिटी हम लोग जब पढ़ेंगे तो हमें पता है कि जो कंटेनर में फ्लूइड रखा गया है, अगर मैं उसको लेयर्स भी मानूं, स्टेडी फ्लूइड भी मानूं, स्टेडी फ्लो में भी मानूं, तो भी क्या हो जाएगा, एज वी गो अबव द सरफेस, जो भी अगर ये नदी है या फिर जमीन पे फ्लो कर रहा है फ्लूइड, तो जो ऊपर का लेयर होगा, आपने देखा होगा कहीं हनी गिर जाता है तो ऊपर का लेयर मूव कर जाता है और नीचे का लेयर अभी भी इंटैक्ट रहता है ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना। तो इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, तो हम जो कंसिडर कर रहे हैं फ्लूइड्स, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, नॉन विस्कस है, समझ में आया। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर्स इनके डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, सेंटर ऑफ मास और डेंसिटी है जो कि यूनिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, जो ये स्पेसिफिक कंडीशन है अप्लाई करेंगे हम फ्लूइड डायनेमिक्स में, ठीक है। तो हमने जो कंसिडर किया है फ्लूइड को वो इनकम्प्रेसिबल है, और आइडियल फ्लूइड हमेशा से आपको स्ट्रीमलाइन मिलेगा, स्टेडी फ्लो मिलेगा उसका, ठीक है। तो हर जगह वेलोसिटी सेम मिलेगी, वेलोसिटी सेम कंसिडर करनी है। क्योंकि अगर रियल लाइफ में आप फ्लूइड देखें तो जमीन पे जो फ्लूइड होगा उसकी स्पीड वेलोसिटी कम होगी, या ऐसे दिखा सकते हो कि स्ट्रीमलाइंस दूर दूर है तो यहां पर स्पीड कम है ना। और अगर स्ट्रीमलाइन बहुत पास में है, ठीक है, तो यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है, ऐसे भी शो कर सकते हो। तो ये रियल लाइफ फ्लूइड ऐसे ही फ्लो करता है, ये आइडियल फ्लूइड है हमारा। तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द लोअर पार्ट, ऑब्वियस होता है। और आइडियल फ्लूइड में हम लोग सीधा सीधा ऐसे ही मान रहे हैं। तो विस्कोसिटी की और एक तकलीफ ये है कि अगर फ्लूइड विस्कस है तो किसी भी कंटेनर से अगर फ्लो कर रहा है तो क्या हो जाएगा, कंटेनर की वॉल को ज्यादा फ्रिक्शन होगा। तो यहां पर जब भी फ्लूइड फ्लो होता है तो फ्लूइड वेलोसिटी नियर द वॉल इज लेस एज कंपेयर टू इन द मिडल। तो ये वेक्टर से आप लोग शो कर सकते हैं कि यहां पर बीच में जो फ्लूइड है उसका स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू द वॉल। तो आपको एक पैराबोलिक शेप यहां पर मिलेगा, पैराबोला मिलता है, ठीक है, अगर वो पाइप में ट्रेवल कर रहा है फ्लूइड, बिकॉज बीच में आपको स्पीड ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू द एजेस टुवर्ड्स द वॉल। तो ये भी हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट विस्कोसिटी में पढ़ते हैं, और ये जो हम वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको वेलोसिटी प्रोफाइल भी बोलते हैं, वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ अ फ्लूइड। तो वेलोसिटी प्रोफाइल, वेलोसिटी ग्रेडियंट हम लोग पूरी तरह यूज करते हैं विस्कोसिटी में, ठीक है। अभी इसमें तो कुछ ज्यादा नहीं यूज करेंगे। लैमिनर फ्लो या स्टेडी फ्लो जो बोलते हैं, सपोज इस स्ट्रीमलाइन फ्लो में कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रीमलाइंस है इसको टकरा के इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगी और इस स्ट्रीमलाइन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी इसके बाद, क्योंकि अब ये ऑब्स्टेकल आने की वजह से इरेटिक बिहेवियर हो गया इसका। कैसा बिहेवियर हो गया, इरेटिक बिहेवियर। उनके स्टेडी फ्लो जो एकदम स्टेडी फ्लो मान रहे थे हम लोग कि इरोटेशनल फ्लो हो रहा है लिक्विड, पर्टिकुलर लेयर्स में हर लिक्विड फ्लो कर रहा है, और अगर यहां पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो अनस्टेडी नॉन स्ट्रीमलाइन
फ्लो बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। अब टर्बुलेंट फ्लो एक फ्लो पैटर्न है कि जैसे नदी नॉर्मल डेज में फ्लो कर रही है तो प्रॉपर शांत है, और जब फ्लडिंग होती है तो कुछ बता नहीं सकते कि पानी कहाँ मुड़ जाएगा या कहाँ वैसे भंवरे बनते हैं, है ना, वैसा रूप ले लेगा। तो हम यहाँ पे इसको, इस फ्लो पैटर्न को कुछ क्रिटिकल लेवल पे एनालाइज करते हैं और हम लोग एक इसका रेनॉल्ड्स नंबर निकालते हैं, या पढ़ेंगे विस्कोसिटी में, कि एक पर्टिकुलर नंबर के बाद, है ना, फ्लो टर्बुलेंट रहेगा या लैमिनर रहेगा, ये हम इसको बता सकते हैं। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से कम है तो हम बोलते हैं कि स्टेडी फ्लो रहेगा, लैमिनर फ्लो रहेगा। अगर इसकी वैल्यू 2000 से, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 के ऊपर चली जाती है तो ये इरेटिक फ्लो बन जाएगा, ये टर्बुलेंट हो जाएगा, है ना। टर्बुलेंस हम लोग एक्सपीरियंस भी करते हैं, जैसे अगर आपने प्लेन में ट्रैवल किया है तो वहां पर एरोप्लेन के फ्लो में अगर कुछ ज्यादा हेवी विंड्स या फिर बादल आ जाते हैं तो ऐसा ड्रॉप करता है एरोप्लेन, मतलब डर जाते हैं लोग कि एरोप्लेन सीधा सीधा जा रहा है और सडनली ड्रॉप कर जाता है, टर्बुलेंस आ जाता है, हिलने लगता है, ठीक है। सीट बेल्ट वगैरह ओपन करने के लिए बोलते हैं, तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करने को हमें मिलती है, और इसी के बारे में, इसी को सब कंसिडर करके हम देखेंगे कि हम जो फ्लूइड कंसिडर कर रहे हैं वो स्टेडी फ्लूइड है, लैमिनर फ्लूइड है, टर्बुलेंट नहीं है, है ना, और आइडियल फ्लूइड मान के हम लोग सारे के सारे डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखे कोई एक पाइप है, ठीक है, और पाइप में यहाँ पर पिस्टन दिया गया है, या फिर सॉरी ये मास फ्लो हो रहा है, एक अमाउंट ऑफ मास यहाँ पे दिया गया, अमाउंट ऑफ मास यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बोर्ड पे भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग लिक्विड एंटरिंग द पाइप या ट्यूब एंड एग्जिटिंग द ट्यूब हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। तो बहुत ही बेसिक इक्वेशन के साथ कंटिन्यू करते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो मास एंटरिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू मास लीविंग। तो अगर किसी भी ट्यूब में लिक्विड फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली इस ट्यूब का कुछ एरिया होगा, है ना। तो यहां पर हम लोग जो लिक्विड कंसिडर कर रहे हैं वो तो स्ट्रीमलाइन है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक्चुअली मास कंजर्वेशन पे वर्क करता है। मास कंजर्वेशन पे मतलब अमाउंट ऑफ मास एंटरिंग द ट्यूब इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ मास लीविंग द ट्यूब, ये हम लोग बोल रहे हैं पर यूनिट टाइम। तो हम लोग जो भी चेंज इन टाइम है, लेकिन हमेशा आइडियल केस ऐसे तो नहीं रहेगी, पाइप का शेप कैसे भी चेंज हो सकता है, मतलब कभी मोटा होगा पाइप, राइट, ऐसा हो सकता है। तो यहां पर एरिया बड़ा है, यहां पर एरिया छोटा है, लेकिन हमने वो चीज पढ़ी है कि यहां पर जो स्ट्रीमलाइंस होगी तो उस जगह स्ट्रीमलाइन बहुत क्लोज हो जाएगी। तो यहां जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी यहां चेंज होने वाली है, राइट। तो इफ विल कंसिडर कि वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है यहाँ पे, दैट इज, चलो इसको वी वेलोसिटी नहीं बोलता हूं मैं बोलता हूं कि वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड जो एंटर कर रहा है और वॉल्यूम जो बाहर निकल रहा है, अगर मैं इसको पर सेकेंड मानू, 1 सेकेंड का हिसाब लू, वो भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड तो चेंज नहीं होने वाली। अगर पाइप का या कंटेनर का शेप चेंज हो जाता है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, तो यहां पर डेंसिटी तो चेंज नहीं होने वाली। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं मास 1 क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास 2 क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 2, ऐसे हो सकता है, या वॉल्यूम इन बोल सकता हूं, या वॉल्यूम आउट बोल सकता हूं यहां पर, ठीक है।
तो इस सिनेरियो में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मास कंजर्वेशन हो रहा है, यहां पर वॉल्यूम कंजर्वेशन भी हो रहा है, अगर पर सेकेंड क्या हिसाब हम लोग ले तो। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मास कंजर्वेशन और वॉल्यूम कंजर्वेशन पे वर्क करता है। अगर मैं इसको और इलेबोरेट करूं तो मैं आइडियल कंडीशन से बाहर निकल के ये बोल सकता हूं कि पाइप अगर कुछ ऐसे शेप का है, यहां से बड़ा है, यहां पे एकदम छोटा है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो लिक्विड का फ्लो करेगा इस केस में कम होगा, यहां से लिक्विड इतना ही फ्लो करेगा लेकिन वॉल्यूम, और यहां पे स्पीड जाना ज्यादा होने की वजह से थोड़ा दूर और ट्रेवल कर जाएगा, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि एरिया छोटा है, ये एरिया बड़ा है, A1 इज ग्रेटर देन A2। ठीक है, तो जहां पर एरिया छोटा है वहां पर स्पीड ऑफ फ्लो कम हो जाएगी, और जहां एरिया छोटा है वहां पे स्पीड ऑफ फ्लो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हम देखते हैं घर में भी पाइप यूज करते हैं जब, है ना, पानी मारने के लिए इधर उधर, तो हम इसको प्रेस करते हैं उसके ओपनिंग को, तो ज्यादा फ्लो करता है क्योंकि जो इनपुट आ रहा है पाइप से, जो मेन सोर्स से जो पानी आ रहा है उसका फ्लो तो मेंटेन रखना ही पड़ेगा, वो तो बाहर से कंट्रोल्ड है। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखिए इसको मास कंजर्वेशन से, या अगर 1 सेकेंड लेंगे तो उसको वॉल्यूम कंजर्वेशन से आप लिख सकते हैं, सिंपल सब फंडा है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि मास इन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू मास आउट पर यूनिट टाइम। डेंसिटी तो चेंज नहीं होने वाली, तो हम लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम इन अपॉन टाइम इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आउट अपॉन टाइम। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग लिख सकते हैं एरिया इनटू जो भी लेंथ कवर किया होगा उसने, पाइप ने, मतलब वाटर ने, अगर यहां पर इतना लेंथ कवर किया है लेंथ, ठीक है, तो यहां पर ज्यादा लेंथ कवर करेगा, बराबर। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग डेंसिटी इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम आउट, मतलब एरिया जो भी, अगर यहां पर A1 लिखना है, यहां A2 लिख देता हूं मैं, इसको A1 कर देता हूं, इसको A2 कर देता हूं, इंटू L2, ये L1 लिख देता हूं, अपॉन टाइम, यहां हो जाएगा डेंसिटी, डेंसिटी कैंसिल, ठीक, ये हो जाएगा एरिया 1, लेंथ अपॉन टाइम, तो हम बोल सकते हैं लेंथ कवर, तो वेलोसिटी 1 हो जाएगा यहाँ पे, एंड A2 इक्वल टू वेलोसिटी 2 अपॉन लेंथ 2 अपॉन टाइम इज वेलोसिटी 2। यहां पर इक्वेट हो रहा है कि हमारा फ्लो रेट क्या है, कांस्टेंट है, फ्लो रेट कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक। तो ये फ्लो रेट हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना, इसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं, कि पानी जो भी इनलेट से आ रहा है, एंटर कर रहा है, उतना ही वाटर, उतना ही फ्लूइड एग्जिट करेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मास भी हुआ है यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम भी हुआ है फॉर अ सेम टाइम, ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। तो आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसके रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, देखेंगे हम लोग इसको, ये समझ गया होगा आपको। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मिनट, आपके नोट्स में भी है, एरिया दिया हुआ है यहां पर, दैट इज 0.12 मीटर स्क्वायर, एंड वेलोसिटी हियर इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाटर यहां पे फ्लो कर रहा है
स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड और वॉल्यूम है 0.12 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है 0.18 मीटर स्क्वायर, यहाँ वेलोसिटी निकालनी है, फाइंड आउट दिस वेलोसिटी। तो हमें पता है जो भी इनफ्लो हो रहा है दैट शुड बी इक्वल टू आउटफ्लो। तो यहाँ पर अगर इसमें इसको मैं ए वन वी वन बोलूँ तो ये हो जाएगा A2V2 और ये हो जाएगा A3V3 या A3 × V कर लो इसको, ठीक है। तो आप सीधा लिख सकते हो A1V1 इज इक्वल टू, ये इनलेट है और ये दोनों आउटपुट है, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा हमको, A2V2 + A3 × V। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कांस्टेंट आएगी, जो भी मास एंटरिंग होगा शुड बी इक्वल टू मास लीविंग, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इजीली, सिंपल है। और एक बहुत ही आइडियल कंडीशन में आपको पूछा जाता है कि वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द टैप, तो उसमें भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मिटा दूँ, आपको आसानी से आ जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हो, बस इसको अप्लाई कर लो। वाटर टैप से अगर वाटर निकल रहा है ना, तो हमने देखा ये कि उसका जो साइज है पानी की बूंद का या फिर पानी का, वो थोड़ा सा स्मॉल होने लगता है, ठीक है। तो यहां पर उसका एरिया छोटा है तो स्मॉल ए ले लेंगे, पर यहां पर एरिया ज्यादा है, ठीक है। और आपको बोला गया है कि ओपनिंग ऑफ अ टैप इज 1 cm² और वेलोसिटी इज गिवन इनिशियली 10 m/s, ठीक है। तो यहां पर जब वो 5 मीटर ट्रेवल कर जाता है तो एरिया छोटा हो जाएगा, स्मॉल ए, तो फाइंड दैट एरिया, ऐसा बोला है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी गिर रहा है पानी, इस जगह पर एरिया निकालना है हमें। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि एक वाटर टैप से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी पानी गिर रहा है, स्टार्टिंग में जो टैप का टैप से निकला पानी, तब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 cm², और जब नीचे आ जाएगा तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, और कितना लेंथ कवर करने के बाद 5 मीटर लेंथ जब कवर कर लेगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे काइनामेटिक्स अप्लाई कर लेंगे हम लोग, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी, काइनामेटिक्स के बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी, तो काइनामेटिक्स में हम लोग डिस्टेंस पता है, इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड मिल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे v² = u² + 2as यूज करेंगे, ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 10 m/s, है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। तो स्पीड तो बढ़ने वाली है उसकी, भाई साहब की, तो 2 × 10 × डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 m में दिया हुआ है, तो कितना आ गया, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा कितना हो गया, 200, है ना, तो ये हो जाएगा 200, दिस कम्स आउट टू बी 10√2, बराबर 10√2 m/s स्पीड हो गई उसकी, फाइनल स्पीड यहाँ पे। तो इसको V1 बोल देता हूँ, इसको A1 बोल देता हूँ, इसको A2 बोल देता हूँ हमारे टर्म्स में। तो यहाँ V2 मिल गया हमें, V2 हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। दिस इज V2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देंगे हम लोग, A1V1 = A2V2, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी A1V1 / V2, तो A1 की वैल्यू है हमारी 1 cm², तो 1 cm लिखता हूँ, 1 × 10⁻¹⁹
सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10^-4 मीटर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी वी वन कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी वी टू कितनी है हमारी 10√2, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 10 10 कैंसिल, और ये हो जाएगा 1/√2 इंटू 10^-4 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी वैल्यू हमारी ई टू की। होप आपको दिख रहा है, कभी कभी चमक जाता है बोर्ड, तो आप लिख लो यहाँ पे ई टू की वैल्यू है 1/√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है 1/√2 हमारा आंसर आ रहा है। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाते हैं कुछ नई तरकीब यूज करके, तो आप इजीली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन हमें दिया गया है जहां पर रिवर है, दो नदियां आके मिलती है और उसकी जो विड्थ है, ठीक है वो दी गई है, एक रिवर की विड्थ है 12 मीटर्स, दूसरे रिवर की है 8 मीटर्स, और दोनों की स्पीड दी गई है, एक है 16 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर आकर दोनों मिल रही है, ठीक है, और जो मेन रिवर का फ्लो बनता है उसका विड्थ है 16 मीटर्स। तो अब एंड टू एंड जो रिवर का फ्लो है उसका विड्थ तो दिया हुआ है, रिवर का विड्थ दिया हुआ है 12 मीटर्स, और बोला गया कि सबका, तीनों का डेप्थ सेम है, तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो हमें मिल ही जाएगा, ठीक है, तो हमें डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से इसका आंसर आ सकता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमें डायरेक्टली इसका आंसर मिलेगा, क्योंकि यहां पर अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए जो डेप्थ है ना, एक ये डायमेंशन और एक अंदर वाला डायमेंशन, उसका एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, तो इसको मैं किलोमीटर पर आवर में है तो इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हर जगह सेम कन्वर्जन होगा तो निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 12 × 20 प्लस ये वाला भी 8 × 16 शुड बी इक्वल टू 16 × v, ठीक है, जो कि वेलोसिटी होगा इसका, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें और जो भी आंसर आएगा इससे आपको मिलेगा वी इज इक्वल टू 12 × 20, क्योंकि यहां पे अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता तो हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में आता, लेकिन हमें आंसर अगर किलोमीटर पर आर में भी आया तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 16 / 16, ठीक है। तो यहां पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 20/16 प्लस 8 × 16/16, तो ये 16 16 गया, और यहाँ पे 4 4 जा 4 5 जा एंड ये हो जाएगा 4 3 जा, तो ये हो जाएगा 15 + 8, इट्स कम्स आउट टू बी 23 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो इसका जो दोनों रिवर्स का फ्लो मिक्स होकर जो तीसरा फ्लो मिलेगा इसका 23 किलोमीटर पर आवर, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत ही आसान है, इसको आप बर्नौलीज थ्योरम्स के साथ जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट यह है कि द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर अलोंग अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो अगर कोई, हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देखा कि अगर कोई लिक्विड फ्लो होता है तो जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड एंटर करता है उतना ही एग्जिट करता है, ठीक है। तो अगर किसी जगह पर एक साइड से लिक्विड एंटर कर रहा है तो दूसरे एंड से लिक्विड एग्जिट करेगा, इसका मतलब यह है कि मास एंटरिंग मास एग्जिट हो रहा है, लेकिन ये जो फ्लो हमें मिल रहा है ये फ्लो विदाउट, मतलब ये जो काम हो रहा है यहां पे विदाउट फोर्स तो हो नहीं सकता, तो ये जो फोर्स जिसके वजह से
डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फ्लो कर रहा है, ये तो हमें पता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ कोई भी चीज फ्लो करती है, ये तो सिंपल सी बात है। अगर यहां पर जो भी एनर्जीज इन्वॉल्व है, जैसे काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है, तो काइनेटिक एनर्जी हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास एम मास ऑफ लिक्विड है, ठीक है, और वी वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है ना, तो हाफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हमारी मिल गई। पर कितना वॉल्यूम, अब जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटर कर दिया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देखा था हमने, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर एग्जिट भी कर रहा है, तो यहां पर जो फ्लो मेंटेन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, तो अगर हम इसको पर यूनिट वॉल्यूम निकाले, इसको मैं वेलोसिटी लिखता हूं, पर यूनिट वॉल्यूम निकाले, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ एम वी, और डेंसिटी की मास के लिए हम लोग लिख सकते हैं सीधा सीधा, हाफ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम वी स्क्वायर बाय वी, तो वी वी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, हाफ डेंसिटी इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हमें मिला। ठीक है, तो अगर सेम लेवल पे है लिक्विड तो हम सेम पोटेंशियल एनर्जी मान रहे हैं, क्योंकि वहां पर दोनों की जगह पर एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना सेम होगा। अगर ग्राउंड लेवल से कहीं ऊपर है, ठीक है, सेंटर तक लेता हूं मैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको H1 हाइट बोल देता हूं, इसको मैं H2 हाइट बोलता हूं, तो क्या हो जाएगा, है ना, दिख रहा होगा आपको, तो पोटेंशियल एनर्जी हर जगह पर अलग अलग है, तो हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट MgH, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय V, ये हो जाएगा MgH की जगह मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय V, तो ये हो जाएगा रो GH, सो दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना। अब विदाउट प्रेशर एनर्जी लिक्विड फ्लो ही नहीं करेगा, जो भी प्रेशर यहां पर इन्वॉल्व है उसी वजह से फ्लो मिल रहा है हमें, तो जो भी वर्क डन हो रहा है, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है वहां पे, हम वर्क डन के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा ले तो क्या मिलेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो जो भी प्रेशर मिल रहा है वहां पे है ना, दिस एनर्जी विच इज इन्वॉल्व एट एवरी पॉइंट, वो भी है प्रेशर एनर्जी, ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी कितनी होगी, अगर मैं इसको मिटा के यहां लिखूं प्रेशर एनर्जी के बारे में, तो प्रेशर एनर्जी मतलब जो भी हमको वर्क डन मिल रहा है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सही बात है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर पर यूनिट एरिया इंटू लेंथ, जो भी लेंथ कवर की होगी यहाँ पे है ना इस पर्टिकुलर एरिया में, तो यहाँ पर जो प्रेशर एनर्जी होगी तो क्या हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी इंटू वॉल्यूम, अब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमें पूछा है, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर देंगे तो यहाँ पे आएगा पी, तो ये जो पी डिनोट करते हैं ये प्रेशर एनर्जी के टर्म्स में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये तीनों क्वांटिटीज पर यूनिट वॉल्यूम है, कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है ना के लिए हम बात करेंगे जो कि इन एंड आउट ऑफ लिक्विड जा रहा है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है, पाइपलाइन इंजीनियरिंग करके एक कंसेप्ट होता है, मतलब फील्ड होती है, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो ऑयल एक्सट्रैक्टिंग कंपनीज होती है, ठीक है, या फिर पावर प्लांट्स में बॉयलर से जब स्टीम को टरबाइन तक पहुंचाना होता है, तब बहुत सारा नेटवर्क होता है पाइप्स का ना, वहां पे प्रेशर मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है ना, तब ये प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सारे कंसेप्ट वहां पे लगेंगे। और जो भी हम फ्लूइड यूज कर रहे हैं वो तो आइडियल फ्लूइड है ना, जो इनरोटेशनल है, इनकॉम्प्रेसिबल है ना, नॉन विस्कस है, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, तो ये सारी चीजें हमको कंसिडर करके कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है, तो मिटा देता हूं मैं ये।
तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमें यह पता है कि अगर किसी पाइप में सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड एंटरिंग द फ्लूइड एंड सो इज इक्वल टू सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड लिविंग द फ्लूइड, तो यहां पर डेंसिटी सेम है तो ऑब्वियसली क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो भी फ्लो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो यहां पर वेलोसिटी जो हमने दी है V1 एट, यहां पर प्रेशर एनर्जी लग रही है, प्रेशर लग रहा है P1, इस एंड पे प्रेशर P2, एंड वेलोसिटी यहां पर बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली स्ट्रीमलाइन फ्लो है और एरिया छोटा है तो यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है। और ग्राउंड लेवल से ये जो A1 पोर्शन है जो वॉल्यूम ज्यादा है वो H1 दिया हुआ है एंड दिस इज H2। तो ऐसे सीन में अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें पता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लिखते हैं हम, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेशर एनर्जी, एंड यहां पर भी प्रेशर एनर्जी लगेगी और ये जो लेवल है यहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहां पर लिखेंगे वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वर्क डन ड्यू टू प्रेशर एनर्जी एट P1, मतलब A1 पे, एंड वर्क डन ड्यू टू प्रेशर एनर्जी एट P2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अगर मैं इसको सेम लेवल पे लू तो दिस विल बिकम H2 - H1, तो हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाएगा और हम लिख सकेंगे माइनस ऑफ जो भी चेंज इन मास, या मास डायरेक्ट लिख लेंगे mg H2 - H1। सही बात है, वर्क डन ड्यू टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो भी प्रेशर की वजह से फ्लूइड फ्लो करेगा, जो भी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो करेगा यहां पे, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो हमें पता है कि जो मूव करेगा दैट इज बिकॉज ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर इस जगह पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब L1 हो जाएगा प्रेशर के लिए, और इस जगह पर क्या हो जाएगा P2 के लिए फोर्स इंटू दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे F2 लिख सकता हूं मैं, है कि नहीं। तो जो भी प्रेशर हमें मिल रहा है ना, उसको हम वर्क डन के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा प्रेशर, मतलब फोर्स को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे, प्रेशर सॉरी क्या लिख दिया मैंने, फोर्स प्रेशर इंटू एरिया 1 इंटू लेंथ 1, क्योंकि जितना वॉल्यूम यहां पे एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम एग्जिट करेगा, ठीक है। तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू L1, ठीक है, और यहाँ पे माइनस जो भी निकल रहा है ना, अगर मैं इसका डायरेक्शन भी ऐसा दू तो क्या आ जाएगा, प्रेशर P2 into A2 - into L2 शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पर वेलोसिटी V2 है, तो V2 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है तो V2 विल बी ग्रेटर, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ½ m Δ m भी लिख सकता हूँ, V2² - V1² सिंपल है। तो आप अगर ये लिख पाए तो आसानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा वैल्यूज देखो, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ तो ये तो वॉल्यूम हो गया, तो सीधा सीधा यहाँ लिख सकते हैं, और Δ m की जगह हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है जहां पर वॉल्यूम लिखना है। तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन आएगा वो इस टर्म्स में आएगा, -Δ V ρ H2 - H1 + P1 Δ V - P2 Δ V = ½ ρ Δ V P2² - V1² ठीक है, दिस इज वेलोसिटी और ये वॉल्यूम है अपना, तो यहां पर वॉल्यूम लिख लिया मैंने, दिख रहा है आपको। तो इस इक्वेशन को अब हमें पता है कि प्रेशर एनर्जी हम जहां पर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं हर जगह पर बर्नौलिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे कि 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर इन्वॉल्व, इट्स काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। तो हम इसके टर्म्स में लिख सकते हैं कि प्रेशर एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। ये बर्नौलिस थ्योरम का स्टेटमेंट था, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसको पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम से डिवाइड करूं पूरे इक्वेशन को, ठीक है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, यहां मिल रहा है हमें माइनस ऑफ डेल्टा, सॉरी माइनस ऑफ रो एच टू माइनस एच वन प्लस पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू हाफ रो वेलोसिटी टू स्क्वायर माइनस वेलोसिटी वन का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, इसको हम ब्रैकेट में लेके जाएंगे और बोलेंगे रो एच टू प्लस रो एच वन प्लस पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस हाफ रो वी वन स्क्वायर। तो सारे वन वाले मतलब एंड वन, दिस इज एंड टू, तो लिक्विड फ्लोस फ्रॉम एंड वन टू एंड टू, तो एंड वन वाले को एक साथ लेके आते हैं। तो यहां पर क्या क्या मिलेगा हमें, प्रेशर एनर्जी को लिखता हूं मैं पहले। प्रेशर एनर्जी इज पी वन प्लस हाफ रो वेलोसिटी वन स्क्वायर दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस रो एच वन, ठीक है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और पी टू के टर्म्स उधर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा पी टू माइनस का प्लस हो जाएगा हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो एच टू, ठीक है। तो एट अ पर्टिकुलर एंड तीनों चीजें प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हमेशा आपको जो वैल्यू आ रही है इनकी दैट इज सम ऑफ ऑल द थ्री एनर्जीज इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो बर्नौलिस थ्योरम इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आप इसको हर जगह यूज करेंगे, हर एप्लीकेशंस इसके बहुत सारे हैं, जैसे वेंचुरी मीटर, एयर फॉइल, पिंग पॉन्ग बॉल का फ्लक्चुएशन कैसे होता है, इवन मैग्नस इफेक्ट क्या होता है, ये सारी सब चीजें हम लोग इसी से प्रूव करेंगे। इक्वेशन निकाला दैट इज बाय बर्नौलिस थ्योरम, और यहाँ पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाला, विच ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट एवरी एंड, ठीक है। तो तीनों एनर्जीज इन्वॉल्व होती है, ठीक है, जब भी लिक्विड फ्लो होता है। तो प्रीवियस इक्वेशन में शायद गलती से ये छूट गया, जी की वैल्यू मैंने लिखी नहीं, तो वो आप प्लीज देख लो, ठीक है। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे हर बार, ठीक है। तो जितना भी हमारा मास इन होता है वो आउट होता है, ये तो हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पता ही है, ठीक है, तो इसको कभी भूलना नहीं है, ठीक है।